और इस बीच खबर यह भी है कि किसानों से मिलने पहुंचे हैं कैलाश गहलोत। न्यूज वन इंडिया ने कैलाश गहलोत से बातचीत की है। खास बातचीत में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री, दरअसल कैलाश गहलोत कह रहे हैं कि जो मांगे किसान कर रहे हैं वो मांगे सही हैं और मैं उनका समर्थन करता हूं। बुराड़ी मैदान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत जी हैं। सर जी, किस तरीके की तैयारियां हैं पूरे और किस तरीके से जो किसान जो आ रहे हैं उनका इस्तकबाल करने की क्या तैयारियां चल रही है? नहीं, तैयारियां हमारी पूरी हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, जो टेंट है लगभग 4 लाख स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया ऑलरेडी तैयार है, जिसमें आप अगर आगे भी देखेंगे तो हेल्थ चेकअप के लिए पूरा कैंप यहाँ पे है। 24 आवर्स यहाँ ऑफिसर्स पोस्टेड हैं निगरानी रखने के लिए। फायर ब्रिगेड यहाँ पे है, टॉयलेट्स हमने पूरे इंतज़ाम किए हुए हैं, पानी के टैंकर्स यहाँ जल बोर्ड द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। और सैनिटेशन का, क्योंकि कोरोना का टाइम है तो सैनिटेशन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सर, 4 दिन हो गए, कोई समाधान निकल के नहीं दे रहा, उसका क्या कहते हैं? समाधान तो केंद्र सरकार के ऊपर है, उनको आमने सामने बैठ के बात करनी चाहिए और जो भी किसानों की मांग है उनको सुलझाना चाहिए। और जो मुझे लगता है कि उनकी मांग जो है बिल्कुल वाजिब है, उनको ध्यान में रखते हुए उसको रिजॉल्व करना चाहिए। सर, इस तरीके का भी है कि केंद्र सरकार तो चुनाव में बिजी है लेकिन समाधान निकल के नहीं दे रहा? नहीं, हम तो बार बार कह रहे हैं, माननीय सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि किसान जो है वो अन्नदाता हैं। मेरे ख्याल से इतनी मेहनत किसी और काम में नहीं होती जितनी मेहनत संघर्ष मुश्किलों के बावजूद किसान लगा रहता है खेत में और हम सबका पेट भरता है। तो आज हम पूरी दिल्ली सरकार माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम हर तरीके से, और मैं भी किसान का बेटा हूं, किसान परिवार से हूं, हम हर तरीके से पंजाब के किसान, हरियाणा के किसानों के साथ खड़े हैं और जो भी हमसे बनेगा, जो भी दिल्ली सरकार से बनेगा, हम वो चीज़ करेंगे। मैं भी किसान का बेटा हूं, ये कहना है मंत्री कैलाश गहलोत का। उन्होंने हमारे से खास बातचीत करी, वो इस समय मौजूद थे दिल्ली के बुराड़ी मैदान में और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से केंद्र सरकार को इस चीज़ का समाधान निकालना है कि जो जो किसानों के जो मुद्दे हैं उनका जो सारा समाधान है वो केंद्र सरकार को निकालना ही है। और दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट।